Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि how to drink black dog. Black dog जब आप पीजिएगा उसके साथ आपको क्या मिलाना चाहिए और कितना मात्रा में मिलाना चाहिए. Well, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर हम लोगों को पर्टिकुलर विस्की जो हम लोग पी रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो विस्की है इसको स्कॉच विस्की कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि ये विस्की स्कॉटलैंड में बनी हुई है. बट इंटरेस्टिंगली आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर इंडिया का भी हाथ है. जी हाँ, अगर बॉटल को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा तो पीछे लिखा है यूनाइटेड ब्रिवरीज. देखिए, ये अगर स्कॉच विस्की हुआ तो यूनाइटेड कहां से आ गया. इसका मतलब ये स्कॉच विस्की आता है OSBI के अंडर में, ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया. क्वाइट इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्कॉच विस्की बॉटल तो स्कॉटलैंड में होना चाहिए ना, बट ये इंडिया में बॉटलिंग होता है. ऑफ कोर्स जब बॉटलिंग होता होगा तब इसमें पानी भी मिलाया गया होगा. तो फ्रेंड, जब आप ब्लैक डॉग को पीजिएगा, अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आप ट्रेडिशनल वे में पीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है. तो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो सजेशन है जिससे आप ब्लैक डॉग को पीजिएगा तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा. चलिए, टाइम ज्यादा ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 डेज ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. चलिए मिलते हैं कोर्स. वेलकम बैक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई व्हिस्कीज को पीजिएगा, वो जो भी ब्रांड हो, इंडियन, स्कॉच, ब्लेंडेड, अमेरिकन, जो भी हो, आप उस ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा तो आपका जो ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा. चलिए, तो फिर कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. देखिए, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया कि कोई भी व्हिस्कीज जो इंडिया में बिक रही है, एज पर द इंडियन लॉ आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे व्हिस्की में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है. तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स को पढ़ सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको पानी से पिए, सोडा से पिए, कोक से पिए या किससे पिए. तो फिर इंग्रेडिएंट्स को पहले पढ़ते हैं. इंग्रेडिएंट्स में लिखा है कि स्कॉच व्हिस्की डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A. अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि ये एक स्कॉच व्हिस्की है बट इसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर को भी इन्वॉल्व किया गया है. अब ये डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है? देखिए, मिनरल वाटर हम लोग अक्सर पिया करते हैं या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी पिया करते हैं, बट मिनरल वाटर में मिनरल कंटेंट होते हैं. आप अगर नोटिस कीजिएगा तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्हिस्कीज बनते हैं वो मिनरल वाटर से नहीं बनते हैं, उसको डीमिनरलाइज्ड करना पड़ता है, अदरवाइज व्हिस्की का जो टेस्ट है वो कंप्लीटली बिगड़ जाते हैं. तो अक्सर स्कॉटलैंड वाले आपको बोलते हैं ना कि हम लोगों का जो पानी है सबसे अच्छी पानी मिलती है, इसलिए हम लोग सबसे बेहतरीन उसकी बनाते हैं. ये एक्चुअली गलत है क्योंकि उन पानी को लेकर आने के बाद उसको डीमिनरलाइज्ड तो करना पड़ता है. सो कोई भी स्कॉच व्हिस्की को पीने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आप जो व्हिस्की पी रहे वो OS कैटेगरी में आता है या OSBI में आता है. OS मतलब जो व्हिस्की स्कॉटलैंड में बनी है और वहीं पे बॉटल हुई है और उसके बाद इंडिया में आई है उसको बोलते हैं ओवरसीज. एंड OSBI मतलब स्कॉटलैंड में व्हिस्की बनी है, कंटेनर के जरिए वो व्हिस्की इंडिया में आती है और उसके बाद इंडिया में डीमिनरलाइज्ड वाटर के साथ उसको मिला के डाइल्यूट करके बॉटल करके सेल करते हैं. अच्छा, कंपनी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूज टैक्स का डिफरेंस पड़ जाता है. अगर स्कॉटलैंड में बॉटल करके वो ड्रिंक को डायरेक्ट इंडिया में सेल करता है कोई भी कंपनी, जैसे कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, ये OS ब्रांड है, मतलब ओवरसीज ब्रांड, ये डायरेक्टली वहीं पर बॉटल होते हैं और यहाँ पर आके सेल होता है. इससे क्या होता है, कंपनी को 235% टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. हालांकि अगर आप OSBI को बनाते हैं तो फिर आपका जो टैक्स है वो 30% तक आ जाती है. तो इसीलिए हर कोई ये तकनीक अपनाते हैं. तो अगर ये OSBI ब्रांड है, मतलब ओवरसीज ब्रांड, बॉटल इन इंडिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, आप
आग बनकर पी सकते हो, क्योंकि जो वाटर स्कॉटलैंड में इस्तेमाल की गई है वो सेम वाटर शायद इंडिया में नहीं मिलता होगा, बट उसको डीमिनरलाइज करने के बाद सेम ही बन जाती है। एंड कोई भी डिस्टिलरी जब अपना व्हिस्की इसको बनाते हैं तो उसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बहुत बढ़िया होता है। तो अक्सर हम लोगों के मन में डाउट होता है कि ओवरसीज ब्रांड का जो व्हिस्की है उसको अगर पियेंगे तो वो बेटर होगा यू नो एज कम्पेयर टू ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इंडिया, मतलब OSBI के साथ। ये गलत है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये OS है और ओवरसीज है, क्योंकि दोनों ही ब्रांड इंडिया में मिलते हैं। आपको ब्लैक डॉग OS में भी मिलेगा और OSBI में भी मिलेगा। आपको कैसे पता करना है? अगर ये OSBI हुआ, मतलब ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया हुआ, तो देखिएगा यहाँ पर एक इंडियन ब्रांड का और इंडियन डिस्टिलरी का नाम उल्लेख रहेगा बॉटल के पीछे। बॉटल को घुमाइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूनाइटेड ब्रिवरीज का नाम। जी, यूनाइटेड ब्रिवरीज जो है ये इंडिया का ब्रांड है ना। एक्चुअली ये जो ब्लैक डॉग इसको बनाता है DIGO, और DIGO यूनाइटेड को भी खरीद लिया है, और यूनाइटेड इंडिया में है, ये फॉरेन कंट्री में नहीं है। तो फिर ये कंपनी मतलब यूनाइटेड इसको बॉटलिंग करते हैं इंडिया में, और ये आपको बॉटल के पीछे दिख जाएगी। अगर ये ओवरसीज हुआ, मतलब ये जैसे कि इंडिया में बॉटलिंग हुआ ही नहीं, तो फिर आप इसको घुमाइएगा और देखिएगा कि यहाँ पर कोई भी इंडियन डिस्टिलरी का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा है बॉटल ऑफ ऑरिजिन स्कॉटलैंड, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप OSBI पी रहे हो या OS। चलो, ये तो हम लोग जान लिए। सो जैसे कि मैं आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे, या लेबल को पढ़ने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपके हाथ में स्कॉच व्हिस्की तो है बट वो OSBI है, तब रिकमेंडेड है नीट। जी हाँ, स्कॉच व्हिस्की अक्सर आप नीट पी सकते हैं, रॉ पी सकते हैं। तो जैसे कि 60 या 30 मैं पोर करना चाहूँगा। चलिए 60 पोर करता हूँ, और एग्जैक्ट 60 मैंने पोर कर दिया। ओके, सो नीट मतलब रॉ। आप ऐसे ही इसको थोड़ा स्क्रूल करते करते या ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता इसको पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सिप लेके पी सकते हैं, बहुत कम। रिमेंबर, आप जैसे थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे तो आपका जो मुंह है बर्न हो जाएगा और आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। एक बार समझने का कोशिश कीजिए, ये जो 60 ml विस्की मैंने आपको डाल के दिया, इसको आपको 60 मिनट तक पीना है, 60 मिनट तक। कभी इमेजिन कर सकते हैं कि 60 मिनट तक क्यों पीना है और ऐसा क्यों करना चाहिए? एक एग्जांपल देता हूँ कि गर्मा गर्म चाय अगर मैं आपको दूँ और बोलूँ कि पी जाओ, तो क्या आप घटक से पी जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं स्कॉच व्हिस्की के साथ, यू नो 60 ml यार इतना टाइम क्यों देंगे, घटक से पी जाते हैं और इससे मुंह जल जाता है। ऐसे जो चाय के साथ होता है ना, मुंह जल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, चुस्कियाँ लेकर पीते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप इस पर्टिकुलर व्हिस्की को चुस्कियाँ लेकर पीजिए, क्योंकि यहाँ पर 40% से भी ज़्यादा अल्कोहल है, आपका मुंह को बर्न कर सकता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसका आनंद उठा पाएंगे। अक्सर मैं बोला करता हूँ कि अगर नीट पीने के टाइम पे आपको दिक्कत हो रही है तो ये जायज़ है, क्योंकि आपका पैलेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। बट मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप डेली नीट ड्रिंकिंग करते तो आपका ये हैबिट भी डेवलप्ड हो जाएगा। मेरा वीडियोज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पीना है। बाय द वे, हर किसी को नीट पीना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर रिकमेंडेड है कि अगर आप स्कॉच व्हिस्की पी रहे हो तो यू नो आप थोड़ा सा वाटर को मिला सकते हो, डैश ऑफ वाटर, जैसे कि हल्का। इससे क्या होगा, व्हिस्की जो है खुल के आएंगे, ओपन हो जाएगा आइस तक, क्योंकि इसके ऊपर ना ऑयली सरफेस रहता है, वो खुल जाती है। अगर आपको फिर भी यू नो ये स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आपका पैलेट में, तो फिर रिकमेंडेड है कि आपने 60 ml उसकी डाला है तो फिर 60 ml इसमें पानी डाल दीजिए। देखिए ये ऐसा, और इससे आप ब्लैक डॉग को पी सकते हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन स्कॉच व्हिस्की है। अच्छा, ऐसा करना क्यों है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप 60 ml में 60 ml पानी को मिलाते हैं तो व्हिस्की का जो अल्कोहलिक परसेंटेज है ये रिड्यूस तो नहीं होता है, बट प्रूफ जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है, और इससे आपका जो नीट पीने में जो जलन हो रहा है वो नहीं होगा। एट द सेम टाइम इसमें जो
सारे फ्लेवर्स है विस्की का, जो सारे छोटे छोटे नुअंस नोट्स है वो बरकरार रहता है और आपको काफी सुदिंग एक टेस्ट देता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा सिप लिया तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है एंड वो सारे नोट मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। रिमेंबर, इस विस्की को पीने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट्स देने होंगे एक पैक को खत्म करने के लिए। आइए आपको एक सेकंड तरीका दिखाता हूँ कि कैसे ब्लैक डॉग को पीना चाहिए। मान लेता हूँ कि आप 60 ml ब्लैक डॉग इसमें फिर पोर कर लिए, ये मैं 60 ml आपको पोर कर दिया। देखिए, ब्लैक डॉग पीने का बहुत सारा तरीका है और आप वो सारे तरीके अपना सकते हैं। ड्रिंक्स आपका है, कैसे पियेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है जिससे आपको सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। बट मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूं जिसको वर्ल्ड फॉलो करता है, वर्ल्ड में ऐसे ही विस्कीज को पिए जाते हैं। देखिए, यहां पर मैंने 60 ml डाल दिए, यहां पर एक बड़ा सा आइस क्यूब आप डाल सकते हैं, तो मैं एक बड़ा सा आइस क्यूब डाल देता हूं। अब इसको डायरेक्ट आप पी सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आइस जो है मेल्ट होगा और एक राइट अमाउंट ऑफ ठंडापन इस विस्की में ऐड हो जाएगा और आप इस विस्की को आनंद ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये प्रोसेस ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इसमें ऑफकोर्स वाटर को ऐड कर सकते हैं और जितना चाहे उतना ही ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप हाफ सोडा एंड हाफ वाटर को टॉप तक फुल करके पी सकते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर वे यू कैन ड्रिंक योर स्कॉच विस्की। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बंदे हैं जो रेगुलर नहीं पीते हैं। अब तक जो मैं सजेशन दे रहा था वो रेगुलर आप अगर उसकी इसको पीते हैं, स्पेशली ब्लैक डॉग को रोज पीते हैं, तब जाके आपको ये तरकीब अपनाना चाहिए। अगर आप डेली नहीं पीते हैं, रोज नहीं पीते हैं, तो आप इसमें बहुत तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लेता हूँ आप वीकली वन टाइम या कभी कभार टू टाइम पी लेते हैं और वो भी बहुत मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं, तो मैं बोलूँगा जी हाँ, आप कोक भी मिला सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, आप बिल्कुल कोक को मिला सकते हैं। इवन आप अगर चाहे तो माउंटेन ड्यू, जी हाँ, माउंटेन ड्यू से भी आप विस्की को पी सकते हैं। इवन स्प्राइट से भी आप पी सकते हैं विस्की को, इवन आपका स्कॉच विस्की को। आपको सुनकर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेंगे, बट इसमें बहुत बंदे को देखा गया कि ऐसे और इस तरीके से भी विस्कीज को पीते हैं। इवन कोई अगर चाहे तो फुल ऑफ सोडा से भी इस पर्टिकुलर विस्की को पी सकते हैं। बट याद रखिएगा कि कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक से अगर हम लोग विस्कीज को पीते हैं और अगर आप उसको डेली पीते हैं तो इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल, ये था कुछ तरीका जो आपका जो पसंदीदा ब्रांड है ब्लैक डॉग उसको कैसे पिए उसका कुछ आइडिया। नाउ द अल्टीमेट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि ब्लैक डॉग को आप अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर से पीजिएगा, सिंपल वाटर से 60 ml के साथ 60 ml वाटर, तो ये सबसे अल्टीमेट है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैं आपको बताया कि सिर्फ एक बड़ा सा आइस आप दे दीजिए और उसके बाद 60 ml के साथ 60 ml। अगर आपको लगता है कि आपके पास बड़ा आइस नहीं है तो आपके घर में अगर छोटा छोटा आइस है तो 6 क्यूब्स आइस आप दे दीजिए, अगर मीडियम साइज का आइस है तो 4 क्यूब आप दे सकते हैं और उसके बाद 60 ml के साथ 60 ml वाटर। एंड दिस इज द अल्टीमेट वे टू ड्रिंक ब्लैक डॉग विस्की। और इसके पीछे एक ही रीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका सारा जो फ्लेवर है ये टोटली सप्रेस नहीं हो जाता है, एट द सेम टाइम ये विस्की को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, इसका जो हर्शनेस है काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाता है। एंड बेवरेज का जो जनरल नियम है कि ठंडा हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो ये ठंडा ड्रिंक भी है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पाइसी फूड ये अल्टीमेट है, जब भी हम लोग कोई स्पाइसी फूड खाते हैं तब हम लोग को वाटर का ज़रूरत पड़ता है,
उस स्पाइसीनेस को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो वाटर एंड विस्की है, जब आप स्पाइसी फूड के साथ खाइएगा तो वाटर जब जब जाइएगा एज ए सिप ऑफ योर विस्की, तो ये उस स्पाइसी फूड के साथ वाटर को कंबाइन करके आपका जो स्पाइसीनेस है, मुंह में जो स्पाइसीनेस है, उसको बैलेंस भी करेगा। सो दिस इज द अल्टीमेट वे टू ड्रिंक योर ब्लैक डॉग विस्की। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।